ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय विपुले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम लोग तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में और 15वें श्लोक में हम लोग अभी हैं। विदुर जी भ्रमण करके आए हैं, सभी भक्तों का हालचाल उद्धव जी से पूछा और उद्धव जी भगवान के विरह में बहुत ही उनके अंदर सारे विकार दिखाई दे रहे थे। जैसे भगवान को याद स्मरण करने मात्र से उनको जो है फीलिंग आ रहा था। फिर उन्होंने बोलते बोलते अपने विरह को व्यक्त किया और उस विरह में व्यक्त करते करते उन्होंने अन्य भक्तों की महिमा को गाना चालू कर दिया। और खास करके पिछले दो श्लोकों में हमने देखा कैसे उन्होंने गोपियों का जो प्रेम है कितना सर्वोच्च है इसके बारे में उन्होंने बताया। अब हम 15वें श्लोक में हैं, आइए पढ़ते हैं। स्वशांत रूपे श्वेतरई स्वरूपई अभ्यर्थ्यमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेषु महदंच युक्तो यजो बीजातो भगवान यथाग्नि। The personality of Godhead, the all-compassionate controller of both the spiritual and material creations, is unborn. But when there is friction between his peaceful devotees and persons who are in material modes of nature, he takes birth just like fire, accompanied by the Mahatattva. Adhyatmik tatha bhautik srishtiyon ke sarvadayalu niyanta Bhagavan ajanma hai. किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत्तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे उद्धव जी भगवान की स्पेशल महिमा बता रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द है इतरह। इतरह का मतलब अन्य लोग और भक्त, डिफरेंशिएट कर दिया, एकदम अलग कर दिया, दो अलग कर दिए। गीता में भगवान बोलते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वो कहते हैं मेरा जो भक्त है वो अलग है, वो अलग ही है। जब मैं समोहम कहता हूं तो तीन गुणों में रहने वाले, चाहे वो सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, योगी हो, भोगी हो, रोगी हो, जिस भी प्रकार के लोग हैं, लोभी हो, निष्कामी हो, मैं सबके लिए समान हूं। परंतु जो भक्त है तीन गुणों से परे, अर्जुन को कहा ना दूसरा अध्याय भगवान ने, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, अर्जुन इन तीन गुणों के बाहर जाओ। भक्ति की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं जब कोई भक्ति करता है तो वो मेरे लिए और खास हो जाता है। जैसे हम कभी कभी बोलते ना, जैसे कोई शादी विवाह होता है या फिर कोई घर में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो हम सबको आमंत्रित करते हैं और हम सबको बोलते हैं आप सब मेरे लिए समान है, लेकिन फिर भी उसमें कोई एक दो व्यक्ति तो होते ही है जो आपके बहुत खास है। मतलब जो नहीं आए तो आपको थोड़ा कष्ट हो जाएगा। सब तो आ ही रहे हैं लेकिन उसमें से एक कोई नहीं आए तो इतना मन में नहीं रखते। एक दो कोई ऐसे हैं जो हमारे बहुत खास हैं और वो वहां नहीं पहुंचे उस फंक्शन में तो हमको कष्ट होने लगता है, तो वो खास होते हैं। तो भगवान के जो ये भक्त है ना उनके लिए बहुत खास है। और यहाँ कहा गया है कि वो तो दयालु नियंता है सभी सृष्टि के। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इदी मत्वा भजन्ते माम भूदा भाव समन्विता। मैं तो सभी जो दिख रहा है आपको प्रकट रूप में अप्रकट रूप में, मैं सभी का मैं कंट्रोलर हूं और मैं ही इनका स्रोत तक हूं, पर मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ मेरे भक्तों के लिए और दयालु है बाबू, तो मेरे मन की बात जान। एकदम मन से मैं मन ही मन सोच रहा था बोलू नहीं बोलू, जान दो कंट्रोल कर दो। थैंक यू, ये होता है फर्स्ट क्लास डिसाइपल। तो हरे कृष्ण, हम सब आज हजारीबाग में हैं। हजारीबाग रांची से 100 किलोमीटर है, जैसा महाराष्ट्र में मुंबई का पूना है वैसे झारखंड में रांची का हजारीबाग यहाँ एजुकेशनल हब है। कल यहाँ संडे फीस था, आज एक लैंड देखने आए हैं। तो एनीवेज, तो यहाँ पे वो भगवान जो परम नियंता है, सभी चीज को कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ पे अपने भक्तों के लिए, वो अजन्मा है, वो हमारी तरह प्रकट जन्म नहीं लेते, वो आते हैं अपनी इच्छा से, जाते अपनी इच्छा से। उनका हमारे हमको क्या हो गया ना, हम ब्रेन वॉश हो चुके हैं, हमको लगता है हमारा नॉर्मल ऐसे गर्भ से आ रहा है या कोई पसीने से आ रहा है जन्म हो रहा है, वैसे भगवान भी कुछ ना कुछ नहीं, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं अपनी इच्छा से जाते हैं। वो चाहे तो खंभे से आ सकते हैं, चाहे तो किसी गर्भ से आ सकते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, और वो ट्रांजिएंट है, वो ये सबसे परे हैं, ये सब उनके लिए माध्यम है केवल हमारे सामने लीला करने के। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं लेकिन बट व्हेन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन हिज पीसफुल डिवोटीज, जो उनके भक्त हैं इनके बीच और प्रकृति के गुणों में जीने वाले, इतरहा यानी बाकी सब भक्त एक साइड, बाकी सब चाहे वो ध्यान योगी हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, नास्तिक हो, कर्मकांडी हो, हाँ केवल सत्वगुण में रहने वाले हो, तमोगुणी हो, भोगी हो, गांजा फूकने वाले हो, देवताओं के भक्त हो, कोई भी हो, लेकिन जो मेरा भक्त है और इतर, ये वो कह रहे हैं इनमें जब कोई क्लैश होता है तो कहते हैं उद्धव जी ही टेक्स बर्थ लाइक फायर एकम्पनीड बाय महत्तत्व, वो अग्नि की तरह आ जाते हैं, अग्नि आके सब भस्म कर देता ना कचरा, वैसे वो आते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते परित्राणाय साधूनां, ये साधु कौन है, भक्तों की बात हो रही, इतरों की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ उन साधुओं के लिए, उन साधुओं को भी प्रसन्नता होती है, वो बात अलग है, आते इन साधु के लिए, साधु यानी भक्त, साधु का मतलब है जो मेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका है उसको साधु कहा जाता है। तो वो जो भक्त हैं भगवान के उनके लिए भगवान आते हैं, जो भक्त नहीं है जो अपने में लगे हैं तो उनको भगवान रख देते हैं, उनको इतर कहा गया है, उनके लिए भगवान नहीं आते, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए आते हैं। जैसे महाराज अम्बरीश थे, ये बहुत बड़े भक्त थे, राजा थे तो तथाकथित गृहस्थ जीवन में थे और राजा के पद पे थे, यानी राजा का पद देखा जाए तो सांसारिक पद है और सरदर्द वाला पद है। दुर्वासा मुनि एक जगह पे बहुत बड़े त्यागी थे, महामंडलेश्वर थे, अगर तभी कोई सभा होती तो उसके वो अखाड़े के मेन महंत होते दुर्वासा मुनि। हाँ दुर्वासा मुनि में इतना शक्ति था कि वो किसी भी ब्रह्मांड को बना सकते थे, इतना पावर था उनके, ठीक है ये पावर था। तो दुर्वासा मुनि जो थे वो आए, क्योंकि अम्बरीश महाराज ने तप किया था और व्रत लिया था अपने अपने प्रजा के लिए, तो सिर्फ व्रत तोड़ना था, उसी दिन दुर्वासा मुनि आ गए। भगवान भी सब परीक्षा लेते ना भक्तों की, ऐसे टाइम पे डाल देंगे। और एक्चुअली यहाँ अम्बरीश महाराज को कुछ नहीं सिखाना था, यहाँ दुर्वासा मुनि को सिखाना था कि आपके ये शक्तियों का मेरे भक्तों के सामने कोई वैल्यू नहीं है। देखिए जो बड़ा है ना वो छोटे को सिखाता है, छोटा बड़े को नहीं सिखाता, और छोटे का प्रॉब्लम ये होता है वो बड़े के सामने सोचता है कि मैं बड़ा हूं, ये वो सोचता है, और ये हमेशा रहता है, ये सबके लिए ट्रू है, जो बड़ा है वो भी ऐसे ही सोचता है अपने बड़े के बारे में, तो ये स्वाभाविक है।
क्योंकि बद्ध जीव जो है वो अपने आप को बड़ा समझते तभी संसार में फंसा है। तो वो जो दुर्वासा मुनि थे वो सोच रहे थे, है मैं तपस्वी हूं, मैं ब्रह्मांड बनाता हूं, ये क्या इसने जल पी लिया, इसने जल पिया कैसे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो उन्होंने श्राप दे दिया, ये बाल निकल और धाई करके जो है राक्षस पैदा किया उनको खत्म करने के लिए। सोचो ठीक है, अगर उन्होंने जल पी लिया, कोई वैष्णव तो क्या बोलता, ठीक है आपने पी लिया कोई बात नहीं, क्योंकि वैष्णव का भाव ये रहता है कि प्रभु आप प्रभु हैं, आप मुझसे प्रगत है, मैं उतना प्रगत नहीं हूं, मैं आपका कृपाभिलाषी हूं, मैं आपका कृपाभिलाषी हूं, मैं बड़ा भक्त नहीं हूं, ऐसा भक्त सोचता है। अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि, हाँ कोई मान की आशा नहीं रखते हुए सबको मान देना, ये वैष्णव का गुण है। लेकिन अब जो योगी है उसको तो अपने तप का कुछ भी, तो अपने तप का थोड़ा घमंड तो होगा, और सिद्धि प्राप्त हो जाए तब तो बम बम। तो वो उन्होंने इमीडिएटली एक असुर को पैदा किया इनको मारने के लिए, कैन यू इमेजिन, मतलब पानी ही पी लिया, व्रत ही तोड़ दिया, चलो आपको थोड़ा अनादर ही कर तो मार दीजिएगा, वो भी वैष्णव को। अच्छा अम्बरीश महाराज कुछ किए भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि है तुम क्या समझते हो मैं भी वैष्णव हूँ, 164 माला करता हूँ तू भस्म हो जाएगा, ऐसा कुछ कुछ नहीं बोले अम्बरीश महाराज, बोले महाराज ऐसा बोले, लेकिन जो ही वो किया उन्होंने इमीडिएटली सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगे, दुर्वासा मुनि के उनके पीछे भागा 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 भागा, और लास्ट में जाके वो जब वैकुंठ गए दुर्वासा मुनि माफी मांगने, तो बोले नहीं मैं नहीं दे सकता, भगवान विष्णु स्वयं बोलते हैं जिस वैष्णव का अपराध किया है उसको जाके आप माफी मांगो। तब जाके वो जब अम्बरीश महाराज से माफी मांगे तो उन्होंने गले लगाया और ये मामला वहां खत्म, तब सुदर्शन चक्र पीछे गए। वैसे ही जो हिरण्यकशिपु है वो अपने बेटे को तकलीफ दे रहा था, वो सम्राट है पूरा दुनिया उसके कंट्रोल में है, लेकिन जैसे कभी कभी तो ना हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ वहां के मक्खी बैठ जाती है तो इरिटेट होते रहता है, आसपास ही छोटा सा मक्खी होता है लेकिन वैसे ही भगवान ने वो छोटा सा बच्चा उसके घर पे जन्म दे दिया और नारद मुनि से ट्रेनिंग दिलवा दिया, अब नारद मुनि का स्टूडेंट कट्टर भक्त दुनिया यहाँ की वहां हो जाए वो कुछ छोड़ेगा नहीं। तो अच्छा हिरण्यकशिपु हो गया तकलीफ, इसे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि आप इस संसार के सारे शक्तियों को बटोर लो, पावर में आ जाओ, लेकिन भगवान एक छोटे भक्त के सामने तुमको झुका दे। वो छोटा था 5 का बच्चा था, पिताश्री ये असुरों में श्रेष्ठ अपने अपने पिता को ऐसा बोले, आदर पूर्वक बोले कि आप असुरों में श्रेष्ठ है, हे असुर वर्य देही नाम, ऐसा बोल रहे हैं आप, पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, हम वही खा रहे हैं जो खा के थूके हैं उसको वापिस खा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है ना। तो जब क्या सिखा रहा है तुम मुझे, और क्योंकि हिरण्यकशिपु विद्वान था, ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं रहा था क्या बोल रहा है, वो सब समझ रहा था लेकिन भगवान के प्रति द्वेष था। तो भगवान के प्रति द्वेष है तो उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं, है ना। तो भगवान के प्रति जो द्वेष है उसका तो कोई सोल्यूशन, देखिए द्वेष का एक ही सोल्यूशन है स्तुति। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति का दोष देख रहे हैं, बहुत आपका अंदर में प्रॉब्लम हो रहा है, द्वेष हो रहा है, तो थोड़ी देर बैठिए, उस व्यक्ति को जो जो प्रेम करते हैं उस व्यक्ति के पास जाइए और पूछिए कि क्या इसमें अच्छाइयां हैं, नोट डाउन करिए, एक दिन जाके उसके मुख पे बोलिए कि प्रभु मैं आपको ऐसा सोचता था लेकिन आप बहुत अच्छे डिवोटी हैं, मैंने सुना है उधर उधर उस व्यक्ति को आपने हेल्प किया, मैंने ये भी सुना है कि आप ऐसे ऐसे स्वभाव के हैं, हो सकता है ये बोलते बोलते अंदर से खरखराए, लेकिन बोलिए, ऐसा बोलते ही वो व्यक्ति भी आपके प्रति बहुत अच्छी चीजें बोलेगा और सारा द्वेष खत्म हो जाएगा। और यही द्वेष हम सबका भगवान के प्रति है। तो अगर हम भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ बद्ध जीव की तरह घूम रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, पहले तो अपना बैकफुट में स्टैंड लेना चाहिए कि हाँ मैं सेवक हूँ, फिर भगवान की महिमा में शास्त्रों से जानना है, भक्तों से जानना है, उनकी कथा सुननी है, कथा सुने उनकी महिमा पता चलने के बाद मुख से उनकी स्तुति करना है, और जब आप मुख से उनकी स्तुति करने लगेंगे तो आपके अंदर जो द्वेष है वो भी हटने लगेगा। तो इसलिए किसी के प्रति हमारा नफरत है कुछ है, एक याद रखिए इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, हर कोई अपनी अपनी अवस्था से बंधा हुआ है, कोई झोपड़ी झुग्गी में रहता है तो गंदा ही रहेगा क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है, साफ सुथरा रहेगा तो भी वो गरीब है, उसके घर के नाला बहता है,
कीड़े मच्छर होंगे तो उसका तिरस्कार करना गलत है क्योंकि उस परिस्थिति में वो है। हाँ, उसके कर्म गलत थे कि उसको वहां जन्म मिला, लेकिन हम उसको क्या सुधार सकते हैं ये देखना है। कोई अमीर है लेकिन उस पैसे के बोझे के दबाव में दबा हुआ है भाई। वो चाहे वहां खुल के नहीं बोल सकता, चाहे वो चीज वो करने की बात कर सकता, लेकिन राजनीति और हजार चीजें होती, तो हमें लगता है कि वो बहुत सुखी है, सुखी नहीं होता। तो इस संसार में कष्ट जो है वो अनिवार्य है, वो आपके कर्मों से आएगा, लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना है कि उसका हमें द्वेष नहीं करना है। हमको किसी का द्वेष नहीं, कोई अमीर है कोई गरीब है, द्वेष नहीं करना है। हर एक व्यक्ति अपने अपने परिस्थिति से और अपने अपने स्वभाव से बना हुआ है। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु एक प्रॉब्लम थे। फिर ऐसे भक्तों के लिए भगवान आते हैं, जैसे अम्बरीश के लिए सुदर्शन चक्र के रूप में आ गए, और यहाँ पे प्रहलाद के लिए स्वयं कंबा फाड़ के आ गए, डायरेक्ट आ गए, क्योंकि उसने डायरेक्टली बोला ना है, तो वो आ गए। तो यहाँ पे कहते कि भगवान आते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ आता है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा परपोट में लिखा हुआ है, मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैंने परपोट पढ़ा है। तो यहाँ पे एक वर्ड है, कहा गया है महत अंश युक्तः एकम्पनीड बाय प्लेनरी पोर्शन ऑफ महत तत्व। जब वो प्रकट होते हैं एकम्पनीड, यानी वो शिरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, महाविष्णु और नारायण, इन सब का समावेश है उनमें। ये महत तत्व के स्रोत कौन है? शिरोदक्षा विष्णु, महाविष्णु। तो इनके माध्यम से वो महत्व का क्रिएशन और आगे करते हैं, ये उनके साथ आते हैं, मतलब वो सुपीरियर है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना हमारा, जैसे प्रभुपाद खुद लिखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान नारायण पहले थे कि कृष्ण पहले थे, विष्णु पहले। यहाँ क्वेश्चन प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखा है, यानी प्रभुपाद भी ये क्वेश्चन जानते थे। ही इज द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडहेड, समवन सेड, सम से ही इज इनकार्नेशन ऑफ नारायण। कोई कहता है कृष्ण जो है वो नारायण के विस्तृत रूप है, कोई कहते हैं वो शिरोदक्षा विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ये सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं जब वो आते हैं तो महत अंश युक्तः, महत का जो अंश तैयार करते हैं वो शिरोदक्षा विष्णु को साथ में लेके आते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है वो यहाँ पे आते हैं, और जहां जहां भी संघर्ष होता है वहां वो प्रकट होते हैं। जैसे कंस और उग्रसेन में हो गया तो भगवान प्रकट हुए, सॉरी कंस हुआ और वसुदेव में हुआ और उग्रसेन में हुआ, तो ये आगे, क्योंकि वसुदेव और उग्रसेन भगवान के भक्त थे। तो इस प्रकार पता चलता है कि यहाँ पे और एक चीज है, वो कह रहे हैं हाँ, कृष्णा एज ही इज कंपेयर्ड टू द सन, कृष्ण जो है सूर्य के समान माना जाते हैं। ही फर्स्ट अपियर्ड फ्रॉम द ओशन ऑफ वूम्ब ऑफ देवकी, पहले वो देवकी के गर्भ से आए और धीरे धीरे वो वापिस आके मथुरा के लोगों को उन्होंने प्रेम दिया। जस्ट एज द सन एनलाइवन्स द लोटस फ्लावर इन द मॉर्निंग, जैसे सूर्य जो है वो कमल के फूल, जो ही सूर्य का किरण गिरता है कमल का फूल खिलता है, उसी प्रकार आफ्टर ग्रेजुअली राइजिंग टू द मेरिडियन ऑफ द्वारका द लॉर्ड सेट लाइक द सन प्लेसिंग एवरीथिंग इन डार्कनेस एज डिस्क्राइब्ड बाय उद्धव। तो कहते हैं जैसे सूर्य उगता है और कमल खिलता है, वैसे सब कुछ उन्होंने मथुरा में किया, और मेरिडियन, मेरिडियन यानी क्या बोलेंगे, सेटिंग एरिया होता है, कौन सा एरिया होता है मेरिडियन, तो द्वारका तक उन्होंने अपना लीला किया और फिर वो हमारे आंखों से ओझल हो गए, ऐसा उद्धव कह रहे हैं और बड़ा कष्ट व्यक्त कर रहे हैं। 16वां श्लोक, मां खेदयत्याहि तदजस्य जन्मा विडम्बनं यद्वसुदेव गये प्रजे च वासो हरिभाव हरिभयादिव स्वयं पुरा द्व्यवात्सीदत्य दनंतवीर्यः। व्हेन आई थिंक ऑफ लॉर्ड कृष्णा हाउ ही वाज बोर्न इन द प्रिजन हाउस ऑफ वसुदेव ऑल्दो ही इज अनबोर्न, हाउ ही वेंट अवे फ्रॉम हिज फादर्स प्रोटेक्शन टू व्रज
एंड लिव देयर इनकॉग्निटो आउट ऑफ फियर ऑफ द एनिमी एंड हाउ ऑल्दो अनलिमिटेडली पावरफुल ही फ्लेड फ्रॉम मथुरा इन फियर ऑल दीज बिविल्डरिंग इंसिडेंट्स गिव मी डिस्ट्रेस। कोई हिंदी पढ़ेगा आपने से? एक व्यक्ति को हिंदी पढ़ सकता है? हरे कृष्ण धर्मिक प्रणाम। पढ़ो प्रभु। बंदी ग्रह में उत्पन्न हुए थे, सॉरी, जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी ग्रह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से ब्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा में भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती है। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो यहाँ देखिए उद्धव जी कह रहे हैं, वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। दुख मतलब विरह, प्रेम। देखिए विरह में भी प्रेम है, वैराग्य में भी ज्ञान है, तो ये सब अपने आप होने वाली चीजें हैं, ये हम लोग की बुद्धि में नहीं समझ में आएगा। तो इनको बहुत विरह हो रहा है और वो प्रेम था इतना, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु यहाँ पे जब प्रकट होते हैं तो देखिए वो जाके उनको छुपना पड़ता है वृंदावन में, किसके डर से? कंस के डर से, जबकि कंस को वो 7-11 साल के होते तो जाके मार के आ जाते। तो उनको डर किस चीज का है? आपको मालूम है कंस खुद कभी वृंदावन में नहीं आया, क्यों कोई बताएगा? ब्रज में कभी एंट्री नहीं मार पाए कंस, अरे वो खुद आके मार देता ना, इतने आकाशुर भगा, तो छोटा सा बच्चा तो था, छोटे बच्चे को मारना राजा के लिए क्या है? क्यों नहीं मार पाए कौन बताएगा? ये मैंने मेरे क्लासेस में बताया, जो रेगुलर करते उनको पता होगा, जो रेगुलरली जाग के करते हैं, जो बेड पे लेट के सुनते हैं, वो नहीं समझ पाए। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण जो है वो हिंसा पसंद नहीं करते हैं, वो खुद भी कोई हिंसा कार्य नहीं किए, वो प्रेम के देवता हैं और समस्त वृंदावन में प्रेम। नहीं, कंस अंदर क्यों नहीं आया वो चाहिए आंसर। केशव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली वो एक बार कथा आती है, श्रीमती राधा रानी ने उनको प्रवेश वर्जित वहां पे करा है। उनको कंसी गोपी बना दिया था। हाँ जी प्रभु जी। ये ब्रज ब्रज के लोकल लोकायती के प्रमाण में आता है, उनको कंसीनी गोपी बना दिया था, इसलिए वो कभी भी वहां अंदर प्रवेश नहीं किए। सही है ना प्रभु जी? कंस प्रवेश नहीं किए थे मथुरा वृंदावन में, कंसीनी गोपी बना दिया था बरसाना में। तो वो कंसीनी गोपी जब बना दिया तो वो समझ गए कि यहाँ प्रवेश नहीं है, वो एनीवेज अलग लीला है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ देख के कि मेरे प्रभु को छुपना पड़ रहा है, मतलब ये बुद्धि के बाहर है। नॉर्मल तार्किक बुद्धि बुद्धिमान आदमी ये सोचेगा ओके प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, भगवान आएंगे वो सबसे पावरफुल है, वो आएंगे कंस को मार देंगे, जरासंध को मार देंगे, धर्म खड़ा कर देंगे, ये हमारे जैसा आदमी सोचते हैं। अब भगवान क्या करते हैं? वो आते हैं, मैं खुद डर गया हूँ, ऐसे दिखाते हैं। एक मतलब अब ब्रह्मा इंद्र ये लोग सोच रहे हैं, फिर ये वो बच्चा नहीं होगा। सब लोग इंतजार कर रहे थे ना कि भाई अवतार अब लेंगे भगवान, अभी आएंगे, कब तो आएंगे, लेकिन ये पहचान नहीं पाए, ब्रह्मा जी तक पहचान नहीं पाए। तो भगवान केवल किसी का वध करने थोड़ी आते हैं, दो काम के लिए आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतों को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले परित्राणाय साधुनाम। साधु को न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न बंगला, न गाड़ी, तो क्या चीज दे सकते हैं भगवान? कुछ नहीं। वो लीला कर सकते हैं जिसको भक्त लोग अनादिकाल तक मनन चिंतन कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। हमारे घर का कोई छोटा बच्चा खेलता पुलता है तो उसको लोग भूल जाते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है मूछ आ जाती है उसको, आदमी लोग भूल जाते हैं कि यही वो बच्चा था, ऐसा गिरता था तो वैसे बोलते थे, टक 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 बोलता था, बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जो बोले बाबा बाबा नंद बाबा, वो आज भी कथाकार वही बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनका जो रोल है वो एब्सोल्यूट है। जब भगवान जाके मटका फोड़ते हैं किसी का, वो आज भी लोग गा रहे हैं कि दही अंडी फोड़ दिया। हम किसी का मटका फोड़ेंगे तो आंटी आज भी बोलती क्या रे चोर कहीं का।
नाइन्थ क्लास में थे हम लोग, नाइन्थ से टेंथ में गए थे शायद, ऐसे ही था। तो छुट्टी रहते ना बड़ा, उसमें मैं और मेरे दोस्त ऐसे ही, वो महाराष्ट्र में ना कोकम होता है, कोकम, कोकम जानते क्या होता है? कोकम लाल लाल जूस बनता है, आप लोग महाराष्ट्र में जाएंगे तो मिलेगा, कोकम जूस बोलते हैं। जिनको भी पित्त का प्रॉब्लम है ना, वॉमिटिंग वगैरह का, अगर वो पियेंगे तो बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। तो कोकम जूस वो लोग क्या करते हैं, कोकम का फल होता है उसको काट के डालते हैं, उसमें शक्कर नमक सब डाल के उसको जार को बंद करके धूप में रखते हैं, सब मई में अप्रैल मई में, तो उस धूप से वो पिघल जाता है, तो उसका जो जूस है ना वो सालों साल चलता है, प्रिजर्वेटिव। आप उसको एक एक चम्मच वो डाल के पानी भर के पी सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा। तो अब वो मैं और मेरे दोस्तों ने एक जगह कोकम जूस देखा, चलो लेके जाते हैं, तो हम लोग वो चुरा लिए लेकिन हम लोग एक्सपर्ट चोर भी नहीं थे, हम लोग लेके एक जगह दोनों दो तीन लोग थे, हम लोग सब नाइन्थ क्लास के थे, तो हमको ही छुट्टी था, हमने छुट्टी है घूम के आते, घूमते घूमते देखा रही है, और दरवाजा दरवाजा बंद था दोपहर के समय में, पर वो आंटी को आवाज आ गया था कि कुछ तो हुआ है, वो खोल के देखी तो देखा तो वहां कोई गया है, तो हमारे पास आई, वो बहुत मतलब डंडा मारने वाली थी, हम लोग भाग गए। वो जार तो एक कोकम का दाना तो खाया नहीं, मतलब एक तो पहले क्यों वो मन में आया हमने चुरा लिया खाने का आइटम, उसके बाद क्या हुआ, वो गाली वाली थी उसने चेहरा देख लिया था, तो उस एरिया से हम कभी नहीं जाते थे। नाइन्थ हो गया, टेंथ हो गया, इलेवेंथ हो गया, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आए, तो मेरा एक दोस्त उस एरिया के पार उस एरिया में रहता था, वो बोला आ जाओ हम लोग देखते कौन सा कॉलेज अच्छे मार्क्स में मिलता है, क्या मिलता है। बोला हाँ चलो चलो, मैं भी सोचा कि आंटी भूल गई होगी, मैं बड़ा हो गया हूँ मैं जा रहा था, वो देखी मुझे, मुझे बोलती क्या रे सब छोड़ दिया क्या, कि अभी भी यही सब करता है। तो हम लोग अगर कुछ करेंगे ऐसा तो आजीवन याद रखना पड़ेगा हमको और सामने वाले को, बाकी लोग याद नहीं रखने वाले। लेकिन भगवान जब दही हंडी फोड़ते हैं, मटका फोड़ते हैं, अच्छा माता जी लोग नहीं बोलते, तो मटका फोड़ दिया, तो ये सब लीलाएं जो भगवान की हैं वो इतनी इनोसेंट है, भगवान इतनी इनोसेंटली वो रहता है ना कि लोग आकर्षित हो जाते, इतना सुंदर चेहरा उनका, घुंघराले बाल, आंख ऐसे, और बोल आंख है ना, देखो छोटे बच्चों में दो आंख होते हैं, एक आंख होता है ना बच्चा छोटा होता है, आंखों से ना बड़ा बोल की मराठी बोलते बोल के डोले, आंख से बोलने बोल निकलते हैं, और कुछ होते हैं जो ऐसा आंख आंख पता नहीं चलता क्या कर रहा है, क्या आंख ही बंद रहता है उसका। तो कृष्ण की आंख है ना वो बोलने वालों में से, जैसे स्माइल कर रहे मतलब बहुत कुछ बोल दी उसने, है ना। तो वो सब गोपियों को वो रहता था। तो इस प्रकार भगवान अपनी जो बाल लीलाएं हैं वो इतने सुंदर कर रहे थे, लेकिन महान पावरफुल कृष्ण, सर्वशक्तिशाली, सब कुछ करने वाले, ब्रह्मांड को बनाने वाले, विलीन करने वाले, सब करने वाले, एक कंस से डर के वहां छुप के बैठे। बताओ किस बुद्धि को, कौन से बुद्धि को? उद्धव जी महाराज जो बृहस्पति के शिष्य हैं, उद्धव जी महाराज किस बुद्धि से इसको स्वीकार करते? तो बोले मैं खुद भ्रमित हो गया, हे विदुर जी मैं भ्रमित हो गया। और ब्रह्मा जी तो भ्रमित हुए थे, आपको मालूम ही है, उन्होंने उनके बछड़े और गाय चुरा लिए थे, गाय के बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लिए थे, और बाद में भगवान ने विस्तृत करके खुद अपने आप को विस्तार कर लिया। एक साल बाद देखा तो ब्रह्मा जी जब लौट के देखे तो सब वही है, तो चुराया किसको, देखा तो सब विष्णु रूप में आ गए। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैं ये आश्चर्य में हूं ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत सुंदर चीज लिखते हैं, बिकॉज द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू एडजस्ट ऑपोजिट्स सच एज बर्थ एंड नो बर्थ, पावर एंड डिफीट, फियर एंड फियरलेसनेस। भगवान के लिए ये संभव है कि वो जीत भी जाए और हार भी जाए एक साथ, और वो हार भी जाए और जीत भी जाए, ऐसे भी वो संभव है। वो ऐसा भी संभव है कि वो जन्म भी लें और अजन्मे रहें। बताओ तो सामने देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं और हम यहाँ सारे साधुगण बोलने में लगे कि वो अजन्मा है, और खुद बोल रहे हैं अजो पिसन नवे आत्मा भूतानाम ईश्वर पिसन, मैं आ जाऊं, अब क्या करिएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे जो द्वंद्व हैं इनसे परे हैं भगवान। इसको नवे अध्याय में देखा जाता है, योग ऐश्वर्य कहा जाता है। योग ऐश्वर्य भगवान की एक शक्ति है जिससे वो दोनों चीजें एक साथ कर लेते हैं, वो जीवों के पास भी नहीं होती। वो अगर थोड़ा बहुत कुछ दिया भी है भगवान ने तो इल्यूजरी शक्ति कर सकता है जीव, पर योग ऐश्वर्य केवल भगवान का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसलिए भगवान का एक नाम है योगेश्वर, योगियों के ईश्वर और योगों के ईश्वर, सारे प्रकार के जो योग हैं उनके ईश्वर। तो ये ऐसा है।
तो यहाँ पे सत्रहवां श्लोक, सुनोति चेता स्मरतो ममैतद् यदाह पादावभिभवन्ति पितृः तताम्ब कंसादरुषे शंकितानां प्रसीद तम नो कृत निष्कृतीनां। लॉर्ड कृष्णा बेग्ड पार्डन फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर देयर कृष्ण एंड बलराम इनएबिलिटी टू सर्व देयर फीट ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ ग्रेट फियर ऑफ कंस। ही सेड ओ मदर ओ फादर प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर दिस इनएबिलिटी ऑल दिस बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड गिव्स मी पेन एट हार्ट। कोई हिंदी पढ़ सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता उनके चरण चरणों की सेवा न कर पाने के अपने कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यही सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं। हरे कृष्ण। देखिए कितना सिंपल है कि भगवान, यही उद्धव जी को तकलीफ हो रहा है। अब भगवान कहीं माफी मांगे तो वो कष्ट होता है। जैसे हमारे पिताजी को हमारे वजह से कहीं माफी मांगना पड़े तो हमें बहुत दर्द होता है। अरे तो ऐसा है, लेकिन चलो हमारे लिए मांगना पड़े तो कष्ट होगा, नॉर्मल भी कहीं झुकना पड़े तो बुरा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भगवान इतने महान होते हुए ये सब क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कर नहीं रहे, वो स्वभावतः जो उनका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल डिस्पोजिशन, मतलब एक व्यक्ति का एक नेचुरल स्टेटस होता है, वो वही करेगा। तो कृष्ण जो है उनको लगता है कि मैं ये कर सकता था, पर मेरी माँ को मैंने उनके बच्चों से विरह में रखा और मैंने ये पहले कर सकता था, क्योंकि देवकी को उनके पुत्रों को लाने का काम उन्होंने ही किया। तो ये जो है, ये इनको लगता है कि मैं और बलराम ये नहीं कर पाई, हमारी इनएबिलिटी है, तो हम क्षमा चाहते हैं। तो भगवान की इसमें क्षमा मांगने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लियर है, पूरे चेतन में है, सही कर रहे हैं और सही समय पे कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, कोई भी कार्य को ऐसे करके करते हैं या करवाते हैं कि वो सही समय पे सही सबक सिखा के बहुत लोगों को चले जाता है, लेसन लर्न करके जाता है व्यक्ति। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है इनको ऐसा देख के कि भगवान जो है अपने माता पिता से माफी मांग रहे हैं, वो भी ऐसे काम के लिए, वो सर्वे सर्वा है तू भी। तो इस प्रकार से उद्धव जी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, आगे भी आएगा, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, किसी का क्वेश्चन है हाथ रेज कर सकते हैं। यस हरेंद्र माधव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें अभी कितना धैर्य रखना पड़ेगा? हाँ, आपने कितना धैर्य रखना पड़ेगा क्या चीज के लिए? जाते हुए ये देखते हुए कि हमें नमो अंधकार नमो सर्व, मतलब उन्होंने, हम इतनी बार नमो करते हैं सुबह कि भगवान हर जगह है, जब आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि कोई इतना बड़ा होकर भी अपने आप को इतना विनम्र कैसे बना सकता है। और एक बात और प्रभु जी, जैसे हम, मतलब हमारे थोड़े अंश है भगवान का, हम जैसे आप बताते हैं भिन्न भेद भेदा में, तो मतलब लेकिन फिर भी कई बार ऐसा क्यों लगता है कि भगवान कठोर हो गए हैं? वो क्या चीज होती है, मतलब फिर भी? देखिए, भगवान कभी भी कठोर नहीं होते। कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम, वैष्णव के बारे में कहा जाता है कि वैष्णव जो है कुसुमादपि कोमलम, बहुत कोमल है, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। उनको कोई धोखा देता है तो फिर वज्रादपि कठोरम। तो भगवान जो है महान इसलिए हैं, आप कह रहे हैं कि कोई इतना महान होते हुए विनम्र हो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो विनम्र है इसलिए वो महान है।
तो विनम्र उनकी महानता का एक भाग है। तो वैसे ही भगवान देखते हैं कि जीव को जो सबक सिखाना है, जैसे क्लासरूम में टीचर कभी थप्पड़ मारता है, कभी एकदम कोई चुप बात नहीं करेगा चुप, तो कड़ा शासन हो जाता है थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि कोई मस्ती कर रहा है, कुछ कर रहा है, एक बार वो सुधर गया तो फिर वो फ्री छोड़ दे देता है। तो वैसे हम सब जीव जो है बहुत बहुत ही बद्ध है और बहुत ही स्वार्थी है। तो भगवान देख रहे हैं कि फिर आप लोग कलयुग में जन्म लो, जब परिस्थितियां विकट होंगी, समझो कि तुम लोगों ने क्या खोया है। तो अगर आप ये बुरा मान रहे हैं तो ये अच्छा चीज है, क्योंकि फिर अगला जन्म आपका सीधा गोलोक में होगा, प्राकट्य हो गया, सबक सीख लिया, खेल खत्म। अपम जी, जो हम देख रहे हैं आसपास की जो वैष्णव अपराध बहुत हो रहे हैं, मतलब ये जो हम भी भिन्न नहीं है, अंग है एक उसी वैदिक ज्ञान का, तो ये मैं, मेरा मन ये देख के होता है कि धर्म धर्म में कुछ समझ नहीं पा रहे लोग, तो जितना वैष्णव अपराध करते जा रहे हैं तो ये तो दूर हो जाएंगे ना भगवान से। हाँ ये तो है, लेकिन ठीक है, हम लोग को दया होना चाहिए और उस दया में उनको प्रचार करना चाहिए, और क्या कर सकते हैं, इसका क्या हम कर भी क्या सकते। यस, हरे कृष्ण। कमलेश माता जी, कमलेश कुमारी माता जी, ओके, अजीत सिंह जी। हरे कृष्ण, दोनों प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। कौन सा वृंदावन में नया है? हाँ अरे बोल, वो जो कथा आप शॉर्ट में बता सकते हैं कुछ उसका जो लीला? एक बार कंस आया था तो गोपियों को पता चला कि ये कृष्ण को ढूंढ रहा है, तो उन्होंने उसको जल छिड़क के गोपी बना दिया, कंसिनी गोपी, और उससे पूरा काम कराया वृंदावन का। बाद में वो बहुत रो रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तब वो राधा रानी के पास लेके आए, तो राधा रानी ने बोला छोड़ेंगे लेकिन तू आज के बाद कभी यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। तो बोले मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तब राधा रानी ने उसको वापस अपना रूप दिया, भाग के इमीडिएटली मथुरा चला गया। लोकायतिक प्रमाण है, इसमें कोई भागवत में या कहीं नहीं आता है, लोकायतिक प्रमाण यानी लोकल ब्रजवासी इसको बताते हैं। अरे ये कमलेश कुमारी माता जी, आपका म्यूट होगा सर, इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये समझना है, जैसे आपने भगवत गीता में तीनों गुणों के बारे में समझाया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो प्रभु जी मुझे ये समझना है कि जो व्यक्ति तमोगुण में रहेगा तो वो सत्व कैसे आ सकता है? जैसे आप बताते हैं कि तीनों गुण तीनों में रहते हैं, जैसे सत्व है तो उसमें रजो भी रहेगा और तमो भी रहेगा, अगर रजो है तो सत्व भी रहेगा और तमो भी रहेगा, और तमो में कैसे सत्व आ सकता है, मुझे ये समझना था। देखो, दारू पीने वाला है ना आदमी, वो भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके दारू पीता है, तो तम में सत्व हुआ, वो बोलेगा अरे साफ सुथरा ग्लास चाहिए, साफ सुथरा बॉटल चाहिए, तो तम में सत्व है वो। समझ आया? ऐसा तो ठीक है डिवोटी, आज आपको कुछ क्वेश्चन नहीं है, कल हम लोग मिलेंगे, अभी हम लोग को विक्रम जी आप पूछ लीजिए, फिर हम इसके बाद जाएंगे एक जगह, हम लोग यहाँ से 50 हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कंस की जो लीला बताई आपने, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो मुझे समझ आया प्रभु, सही है गलत है आप बताइएगा, कि कंस जैसे गोपी बन गया बट गोपी बन के भी उसका उद्धार नहीं हुआ, उसी तरह हम लोग अपना भाव करते कि हम भगवत धाम चले जाए या हम गोपी बन जाए, बट अगर वो भाव डेवलप नहीं हुआ तो वहां जाके भी क्या करेंगे, बोर ही हो जाएंगे। बात सही, देखिए भगवान के प्रति प्रेम फर्स्ट अधिकार है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं तो वहां जाके क्या करेंगे, और अगर प्रेम है तो वहां जाने की जरूरत ही, आप यहीं से चालू करेंगे। बात सही है, ओके, अब कल मिलते हैं, आज थोड़ा भी हम लोग को यहाँ से ब्रेकफास्ट करना है, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद।